सगळे लोक आमच्या सहाव्या संधी वाढायचे कित्याक लागून आयज एक जीएमसी ऍडमिट केले चिकलेच्यान तेंचे सबजेक्टीव आसा हॉस्पिटल थंयच्यान तेंच्यानी स वर्सां भुरगीं आसा ऍडमिट केले जीएमसीन आनी म्हाका दिसता काल तेका रिफर केल्ले पेरंट्सांनी आनी म्हाजे थंय कितें जेन्ना तेजे बीपी लो जाली तेन्ना तेका शिफ्ट करपाक जाय इमिडियटली पूण तेका शिफ्ट करून तेका आसूं दवरलें तेंच्यानी चिकलेच दवरलें आनी निग्लिजन्सा लागून पेरंट्साचे हे आसा कितें ऍलिगेशन आसा निग्लिजंटा लागून ते एक्सपायर जाले म्हणून स वर्सांचे आतां तेच्या नंतर पळयत जाल्यार हांगासर आनीक दोन भुरगीं आसा सात वर्सांचे आनी णव वर्सांचे आसा नी वाडाचे तेंकां हांसर ऍडमीट केलेले आनी तेंकां हें मेळिल्लें आसा डेंग्यू पॉझिटीव्ह मेळिल्लें आसा तरी पूण ते ऍडमीट करून घेयन आनी शिफ्टूय करना जीएमसीन तेका लागून लोक सामके चाळवले सगळे येयलेले हांगासर जर लॉ जर लॉ अँड ऑर्डर हातून घेतलेले फाल्यां कोण जबाबदार आसलो आमी म्हणटा चिकले जो हॉस्पिटल आसा हांगासर तेचो दर्जो जो इम्प्रूव्ह केल्लो आसा पूण आतां डॉक्टर तरी सारके दवरा तुमी डॉक्टर धरा स्टाफ धरा कितें धरा आनी जर तुमकां दिसता सिरियस केस जाल्यार जीएमसी धाडात न्ही रोखडेच इमिडियट धाडात तेका कित्याक धरपा आसलें काय म्हणटा चेडवाक हे चेडूं आपले बापाय आवय बापाय ना जाले रिलेटिव्ह ना जाले आनी अशीच जर भुरगीं हांगासर ऍडमीट केले ना जर जाले जाल्यार कोण जबाबदार गव्हर्मेंट जबाबदार हेका गव्हर्मेंट हेचेर जाती लक्ष घालपाक जाय आयज एका जे पेरंट्स आसा तेंकां स वर्सांचे भुरगे आपले ना जाले चेडूं भुरगे ते बीन आनी आनी दोन चेडूं हांसर आसली आतां पळय कितले वर्स आसा ती म्हाका दिसता णवांक येयली सकाळीं ऍडमीट जावन आनी येस ते डेंग्यू पॉझिटीव्ह आसा तरी पूण तेंकां हांसर भायर दवरलेली आमी आतां ऍम्ब्युलंस आपयता की डॉक्टरांक कळयता कोणूच लक्ष घेनासले आतां लोक जेन्ना चाळावले तेन्ना तेंच्यानी भिर येल्लें तेका आपूण ना अंडर ऑब्जर्वेशनान दवरला तेका ना आमी म्हणटा इम्प्रूव्ह केला बरें आसा पूण थंयसर कितें डॉक्टर नेमणूक करा तुमी न्हू जे खरेंच जाय गरज आसा पळय ती नेमणूक करा हांव हांगासले मंत्र्यांक मागता आमचो आमदार स्थानीक आमदार आसा विश्वजीत राणे हांव विश्वजीत राणे सुद्दां कॉल करतालो पूण ते फोन घेयनासले बिझी आसूं शकता पूण सीएमओन हेचे जाती लक्ष घालपाक जाय हांगासर जो दर्जो तेंच्यानी जो इम्प्रूव्ह केल्लो आसा कॉटेज हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केल्लो आसा स्टाफ तुमी नेमणूक करा न्हू बरें हे डॉक्टर बीन दिया न्हू हांगासर पळय जाली कॅज्युअली एकूच डॉक्टर आसा ती कितें जाणां अटेंड करताली आतां एक्सिडेंट केस येयली म्हणून ते आतां अटेंड करनासतना रावली त्या डेंग्यू पेशंटाक आनी अशें जर जालें जाल्यार कितले म्हाका लोक दबातले आमकां खबर ना लोकांक आतां जाय कितें बरो इम्प्रूव्ह केल्लो आसा जाल्यार डॉक्टर अपॉयंट करा तुमी बरें स्टाफ हें करा आनी कितें आसा स्टाफ तो घेया तुमी आनी लोकांक अशी ताटकळ धरूं नाका मेरा भाई का बेटे को इधर एडमिट किया था रात कल शाम को 4 बजे के समय और रात भर वो इधर ही एडमिट था तो 1 बजे डॉक्टर और सिस्टर को बताया था कि हाथ पैर बच्चे का ठंडा पड़ रहा है तो कोई ना डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिया हाथ में ना सिस्टर ने सही से कोई देखा ही नहीं जब उनका नींद सब खराब हुआ तो ठीक हो गया नींद हो गया बाद में आगे चेक करने के बाद में उनको पता चला कि बीपी डाउन हो गया है बाद में 6 बजे उनको गड़बड़ में उसको एमरजेंसी में भेजा है जीएमसी अभी ये और मैं डॉक्टर को भी देखा था भाई डॉक्टर इतना हड़बड़ रहा था जैसे कि उससे बहुत बड़ा गलती हुआ तभी मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ गलती किया है करके ये बार बार चेक कर रहा था अगर कोई भी डॉक्टर रहता अभी सही से देख रहा होता तो एक ही बार चेक करते हैं बार बार आके एम्बुलेंस में नहीं चेक करते कोई अंदर ही चेक करते हैं ये बार बार आके एम्बुलेंस में चेक कर रहा था तो तभी मैं उसको पूछा तो बोलने लगा बीपी मास्टर डाउन था बीपी मास्टर डाउन था तो जीएमसी जाने तक इतना डाउन होता है जीएमसी में पूछा जीएमसी का डॉक्टर बोलने लगा अगर 10-15 मिनट पहला अगर वो बच्चे को लाता थोड़ी देर पहले अच्छा ले गया था तो वो बच्चे बसता था आज वो बच्चे हमारे हाथ में नहीं है तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये डॉक्टर लेगा डॉक्टर उसको जिंदा करके देगा वापस नहीं ना या तो ये डॉक्टर इधर से निकलना मांगते हैं ऐसा डॉक्टर चिकालीम के अंदर नहीं मांगता है ऐसा 2-3 है और एक ही डॉक्टर है और 2 डॉक्टर है इसके अंदर वो दोनों डॉक्टर को इधर से निकालना मांगते हैं ऐसा डॉक्टर रहेगा तो ये गरीब आदमी है ना पहला मरेगा पैसा वालों को कोई भी देखते है गरीब को कोई नहीं देखता है सुबह से अभी डेंगू पेशेंट अभी यहाँ पे बैठी थी वो उसको बोला जाके बाहर खड़ा रहो अरे बाहर जाके खड़ा रहो इसका मतलब क्या है आया क्यों तुम्हारे पास भीख मांगने के लिए आया क्या गवर्नमेंट ने क्यों खोल कर रखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाबा कोई गरीब आदमी आके देखेगा उसके बाद में ट्रीटमेंट करके अपना कुछ हेल्थ बराबर करेगा लेकिन क्या फायदा ऐसा आके रुकने से उससे अच्छा डायरेक्ट जीएमसी भी गया था अच्छा ना इधर आके मरने से अच्छा जो किसके पास नहीं होते वो आदमी इधर आते हैं अभी क्या करेगा इधर आना ही पड़ता है ना राष्ट्र को इधर नजीक ही करके अगर जीएमसी अगर ऐसा हॉस्पिटल नजीक रहता तो जीएमसी ही जाता था इधर आने का गरज ही नहीं था मेन इधर का है डॉक्टर लोग 2 डॉक्टर है उसको कंपल्सरी चेंज करो और डॉक्टर एक बोलता है मैं डॉक्टर सोचाता है वो बेस्ट है वो रहेगा ना कोई भी पेशेंट जल्दी जल्दी जाता है अगर दूसरा को डॉक्टर देखता है ना तो कोई आगे भी करते जाने के लिए डॉक्टर को जाने के क्या नहीं ये मेन है जैसे डॉक्टर पहले चेंज करो 7 वर्षाचे तेका काल सांचे 4 सुमार हांगा हाडला ताच्या उपरांत डॉक्टर तेतून कांयच ट्रिटमेंट स्टार्ट करूंक ना हांगा त्या खातीर ती हॉस्पिटल बांदला आतां आमी हांगा त्याच्या उपरांत सकाळी 2:00 जाली सकाळची चेडवाचो बापूय सांगता म्हाका जीएमसी प्रिफर करा हे सकाळी संघ प्रिफर करता कितें फायदो संघ वचून
तो वेले ते डॉक्टर जीएमसी सांगता 15 मिनटा पैली हाडलेले त्याला पेशंट तुमका ओके करून देता आसलो म्हणून. हे केदे व्हडले लॉस आहे. एक धाकटे चेडू ऑफ जाऊ म्हटल्यार कित्याक हे करोडाचे हॉस्पिटल बांधलं. तुमच्याकडे मशिनरी ना, तुमच्याकडे डॉक्टर्स ना, तुमच्याकडे काय उपाय जायना. प्रिफर करा मरे जीएमसी. आता नवांक सुमार एक बायल निवाड्या वयली आपल्या चेडवाक घेऊन येला हांगा. नवांक सुमार एक बायल आपल्या चेडवाक घेऊन येला धाकटे. ते 6 वर्षाचे आसले. हे 12:30 भरून दिता जीएमसी प्रिफर. 3:30 हांगा घालिली त्यांच्यानी. ते बाबडे वतन मारता आपले चेडवाक घेऊन. अभिषेक डॉक्टर प्लेट कमी जावपाक 2 मिनटां पुरो. 2 मिनटां आणि 3:30 लायता ड्यूटी डॉक्टर सर नंबर. तुमका सगळ्यांक खबर आहा डेंग्यू पेशंटाक 2 मिनटां पुरो प्लेट्स कमी जावपाक. आणि हे 3:30 लायली त्यांच्यानी आयज. हांव मागता हेल्थ मिनिस्टराकडे प्लीज ह्या चिकालीम हॉस्पिटलाचेर लक्ष देवपाचो. कारण हे आयजूच न्हू, हे 5-6 वर्सां चल्ला. 5-6 वर्सां न्हू जेन्नाच्यान बांधला तेन्नाच्यान हेच चल्ला. फकत सांगता मशिनरी ना, डॉक्टर ना. डॉक्टर आसल्यार तो न्हिदता. सो हेल्थ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता प्लीज हांगा येवन ह्याच्या फुडें असली भुरगीं वचपा जायना आमच्या वास्कोची. वास्कोचीच न्हू गोंयची. तेचेर लक्ष देवपाचो. धन्यवाद.